चिड़ियों से रिलेटेड, और ये कितने रुपए की है? 7,000 7,000 रुपए की। ओके, सेवन थाउजेंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है बिल्ली कुछ इस तरह से, जो कि यहाँ पर कितने बोले आपने प्राइस? 2,500 रुपए की। देखो किस तरह से कर रही है आपको। ठीक है, इसको कौन सी कैट बोलेंगे इसको? अच्छा, पर्शियन कैट। ठीक है, पर्शियन कैट के नाम से जानी जाती है। देख लीजिए, लव बर्ड है ना, 350 रुपये पैर है ना, 350 रुपये। ये भैया लोग रहते हैं यहाँ पे। आपके पास क्या है? ये कबूतर है। अच्छा, क्या है, क्या प्राइस है इसका? 450 रुपये का एक। एक तो क्या नाम रहता है इसका? इसको मकवा बोलते हैं। मकवा, देख लीजिएगा इस मकवा आपको दिखाई दे रहा है, ये भैया के पास रहता है। ठीक है, कितने रुपए है ये? 4,000 रुपए के पैर। ओके ओके, देख लो गाइस, 4,000 रुपए पैर। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस देख सकते हैं, आज मैं फिर से आया हूँ दोस्तों नागपुर के एक ऐसी जगह पे जिसे लकड़गंज का बर्ड मार्केट के नाम से जाना जाता है। और देख लीजिए कुछ इस तरह से यहाँ का जो है नजारा आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं गाइस आगे के बर्ड्स का, हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे कैसे क्या है यहाँ पर, देखते रहते पूरा। ये देख सकते हैं, ये कितने के है ये? 350 रुपये पैर। ओके, 350 रुपीज पैर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये देखो, और ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पर पूरे लाइन से दिखाई दे रहे हैं। चलो एक एक करके अपन लेते हैं यहाँ पर। देखो एक ये वाली भी शॉप आपको दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी तो वो यहाँ पर आप ले सकते हैं गाइस। मैंने जो आपको बताया फिंच चिड़िया वगैरह, अभी तो बहुत सारा मार्केट बढ़ चुका है यहाँ पर। ठीक है, चिड़ियों से रिलेटेड, और ये कितने रुपए की है? 7,000 रुपए की। ओके, 7,000। ठीक है, ओके आगे चलते हैं हम लोग, देख लीजिए गाइस। ठीक है, वैसे तो मेन मार्केट आपको यहाँ पर बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, यहाँ से तो पूरे लाइन में जो है सपोर्टिंग केस में बैठे रहते हैं पूरे। चलो आगे देख लेते हैं यहाँ से, देखो किस तरह से दिखाई दे रही है अभी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। चलो आगे का देख लेते हैं अभी और एक बार इधर में। ये भी सेम वैसे आपको दिखाई दे रही है, 350 रुपये, 350 रुपये के मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे चूहे भी है, ये भी आपको मिलेगा। जैसे आप लोग बोल रहे थे बर्ड मार्केट का बताओ, तो आज मैं आया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको। ये भैया के पास में भी आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, कौन सा है तुम्हारा? लव बर्ड है ना, 350 रुपये पैर है ना, 350 रुपये। ये भैया लोग रहते हैं यहाँ पे। आपके पास क्या है? ये कबूतर है। अच्छा, क्या क्या प्राइस है इसका? 450 रुपये का एक। एक तो क्या नाम रहता है इसका? इसको मकवा बोलते हैं। मकवा, देख लीजिएगा इस मकवा आपको दिखाई दे रहा है, ये भैया के पास रहता है। ठीक है, देखो ये शॉप के पास खड़े है। चलो आगे चलते हैं यहाँ से, अभी आगे का देख लेते हैं। अभी इधर भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, देखो क्या प्यारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइस के लिए तो अभी कोई है नहीं यहाँ पर। तो ये जो शॉप आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपको पूरे जो है बर्ड से रिलेटेड पूरा सामान मिलेगा, यानी कि उनके जो है देख लो यहाँ पे सजावट का बोलो या फिर पीने खाने का जो भी है, देखो यहाँ पे ये रखे हुए हैं। ठीक है, 30-30 रुपये, 20-20 रुपये प्राइस भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पर आ जाते हैं अपन लोग। देखो ये दिखाई दे रही है फिंच, 300 रुपये पैर है ये फिंच चिड़िया। ठीक है, देखो ओके आगे में देखो लव बर्ड्स भी है, ये 350 है, 350 रुपये पैर देख लो। ठीक है, पीछे है, नीचे में आपको रैबिट भी दिखाई देंगे। रैबिट का क्या है बोले? रैबिट का ये 500 रुपये, यानी 250 रुपये का एक, 500 रुपये पैर है। ठीक है, देखो नीचे में बड़े वाले भी है, और यहाँ पे केजेस भी दिखेंगे। केजेस का प्राइस जो है आपको यहाँ पर 200 रुपये से चालू हो जाएगा, 200, 250, 300। अच्छे वाले लोगे तो 350 रुपये का आएगा। ये कितने वाला है? ये 350 वाला है। ठीक है, देखो ये वाला जो लोगे 350 वाला है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। सेम देखो आगे में लव बर्ड्स फिर से आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। चलो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये जो है यहाँ का मेन मार्केट है। ठीक है, यहाँ का मेन मार्केट है पूरा। देखो लोग बैठे हुए हैं जिस तरह से, ये देख सकते हो 350 रुपये पैर है।
अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, दिख रहा है? देख लीजिए, बढ़िया दिख रहे नहीं अभी? ये है आपको दिखाई देंगे, ये भी 500 रुपए वाले हैं, जैसे कि 500 रुपए के दो मिल जाएंगे, बड़े साइज के हिसाब से अलग रहेंगे। ये कितने रुपए है? ये 4000 रुपए के पैर। ओके ओके, देख लो गाइस, 4000 रुपए पैर, ठीक है। ये भी है, ये सब थोड़े कॉस्टली है, ये वाले तो सस्ते रहते ही है, आपको तो पता ही है, ठीक है। चलो इस साइड में चलते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ से तो पूरे चिड़ियों का पूरा लगा रहेगा और बहुत अच्छा कलेक्शन आया है। 3 चिड़िया का देख लो यहाँ पर, ठीक है। ये कितने हैं? 300 रुपए, 300 रुपए पैर है। ओके, ये वाली जावा 1200 रुपए पैर, और ये 1200 रुपए पैर। ओके, ये तो लोबर्ट से अपने, ठीक है। ये नीचे वाला भी बताया अभी 3-4000 रुपए है बोले। ये कितने वाला नीचे वाला? 2500-2500 रुपए। ओके, ये यहाँ पे थोड़ा बताए थे, ठीक है। ये देखो, ये 2500 रुपए पैर है यहाँ पे, ठीक है। नीचे भी देख सकते हैं, देखो कैसे झुंड बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। तो गाइस देख लो, ऐसी है यहाँ का नजारा, और आगे में चलते हैं, ठीक है। ये वाली शॉप में आते हैं, यहाँ पे भी आपको रैबिट वगैरह दिखाई देंगे, देखो, ठीक है। ये भी है यहाँ पर, ये कितने हैं? 1000 रुपए जोड़ा। ओके, ठीक है ना, देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये भी देख सकते हो, इधर में चीक्स भी आपको दिखाई देंगे और डग भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। चलो, तो ये देखो यही आज का ये है मार्केट यहाँ पर। इस साइड में आप देखोगे तो पूरे आपको जो है कबूतर वाले दिखाई देंगे, इस साइड से देखो पूरा वहां तक एंडिंग तक, ठीक है, ठीक है। ओके, ये बता देते हैं कितने रुपए? 8000। हाँ, टर्की है ना, हाँ हाँ हाँ, है ना, है ना। ओके, 8000 रुपए जोड़ा है ये टर्की। ओके, और ये अमीर भाई की शॉप है गाइस, ठीक है। उनका नंबर रहता ही है नीचे में, तो देख लेना उसमें, ठीक है। चलो, ये देखो, इधर का भी बता दिया मैंने, इस साइड का भी बता दिया, और ये कितने रुपए जोड़े रहेंगे टर्की? 4000 रुपए। ओके, 4 का एक सिंगल डबल? ओके, 4 का ये डबल है। ओके, और ये देख लो, ये डक है, ये भी आपको 1000-1200-800 ऐसे में मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देख लो गाइस, मार्केट का नजारा देखो कैसे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये न्यू ईयर हॉस्पिटल है, उसके आगे में लगता है, और सिर्फ संडे के दिन लगेगा ये, ठीक है। तो संडे के दिन आपको सुबह 7 बजे से आ जाओ, 12 बजे तक आपको मिलने वाला है। इस साइड में आप जाओगे, पूरे कबूतर वाले दिखाई देंगे, देखो पूरे लाइन से है। इस साइड भी आप देख सकते हो कबूतर वाले, कबूतर आपको दूर दूर से बता देता हूँ मैं, 400-500 रुपए का आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रखे हुए है, ठीक है, देख सकते हैं। अरे बाप रे, इधर में इतनी भीड़ है, कबूतर की लाइन में भी बहुत भीड़ दिखाई दे रही है अभी, देखो, ठीक है। ये देख सकते हैं, मुर्गा भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे, देखो पूरे लाइन से। और ये मार्केट अभी जो है ना, पहले यही तक रहता था गाइस, अभी वो पूरा वहां तक भर चुका है, पूरा यानी एंडिंग तक। और कभी कभी पुलिस भी आ जाती है बोलना संडे के दिन में, ठीक है। देखो नजारा वहां से भी देख सकते हैं आप लोग, पूरा किस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिए, न्यू ईरा हॉस्पिटल है, उसके आगे में ये पूरा मार्केट यहाँ पे भरता है। तो गाइस देखो, अगर अगर आपको कबूतर से रिलेटेड कुछ भी चाहिए इन्फॉर्मेशन, आपको मिल जाएंगी। ये देखो, बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे ऐसे, ये देखो, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये भी है, ये देखो, ठीक है। चलो आगे में चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, ये था आपके जो है बर्ड मार्केट का आज का नजारा, जो कि संडे के दिन यहाँ पे भरता है। तो जो मेन मेन शॉप है उनके बारे में आपको बता दिया, इस साइड में भी आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड में भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अपना जो वीडियो है यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग मेरे को जरूर बताना, साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नागपुर के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनते रहेंगे, जो कि मैं धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स।